हेलो नमस्ते, मेरा नाम है शीतल कावा और आप देख रहे हैं सिनी स्पिक्स चैनल। बिग बॉस 15 जो है वो सिर्फ 3 दिन दूर है। उनके कौन बनेगा विनर, उसके लिए कि बिग बॉस 15 के अंदर आप जैसे कि देख रहे हैं कि तेजस्वी और शमिता के बीच बहुत ही कुछ चल रही है, बहुत सारा अग्रेशन चल रहा है, जहां पर तेजस्वी बहुत कुछ बोलती है शमिता को। उस वजह से सलमान खान ने तो उनको डांटा ही था, लेकिन साथ ही में जो बाहर जो सेलिब्रिटीज़ भी है, जैसे कि गौहर खान, नेहा भसीन, बिपाशा बसु एंड ऑल्सो टीना दत्ता, ये सारे जो सेलिब्रिटीज़ है वो भी तेजस्वी को बोल रहे हैं कि तुम जो भी कर रही हो वो गलत कर रही हो, तुम जो भी बोल रही हो वो भी गलत है। तो ऐसे में फिर से जो है तेजस्वी शमिता को बोल रही है आंटी, तो आंटी वर्ड यूज़ कर रही है शमिता के लिए। बाद में वो सॉरी बोलती है उसके लिए, लेकिन जो बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ है उनको ये जो तरीका है तेजस्वी का बात करने का वो पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। तो ऐसे में बहुत सारे एक्टर्स ने ट्वीट किया है। तो क्या कुछ ट्वीट किया है, कौन कौन से एक्टर्स ने तेजस्वी को बोला है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आते हैं बिपाशा बसु, तो उन्होंने कहा है, ट्वीट किया है और कहा है कि एज शेमिंग डिस्गस्टिंगली देन सेइंग सॉरी बियॉन्ड पैथेटिक, इफ दिस इज अ विनर फॉर एनीवन और अ रोल मॉडल इट्स ट्रूली सैड। If you are insecure, attack your man who makes you feel insecure instead of pulling other woman down. #BigBoss15 and #shameful. तो यहाँ पर जो है बिपाशा ने क्लियरली कह दिया है कि तेजस्वी के जो भी फैंस है, जो भी उनको रोल मॉडल समझते हैं, जो भी उस तेजस्वी से इंस्पायर होते हैं, उनके लिए मैं बहुत ही सैड फील कर रही हूँ। यानी कि उनको इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है ऐसा उनके फैंस को। और यही नहीं, साथ ही में युविका चौधरी जो प्रिंस नरूलाल की वाइफ है वो भी बिग बॉस में आ ही चुकी है और साथ ही में नच बलिए में भी दिखाए दिए थे और रियलिटी शो जो नच बलिए है वो जीत भी लिया था। तो ऐसे में युविका चौधरी जो है उन्होंने क्या कहा है तेजस्वी को, मैं आपको बताती हूँ कि इफ़ शी लुक्स लाइक एन आंटी देन एवरी वन शुड लुक लाइक दिस ओनली बिकॉज शी इज़ क्यूट फिट ब्यूटीफुल यंग इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल माय फेवरेट। यहाँ पर अगर वो तेजस्वी ने आंटी कहा था तो बट वो बहुत ही पसंद करती है युविका जो है शमिता को, ऐसे में तेजस्वी को भी ले लिया है। साथ ही में देवोलीना भट्टाचार्य जो एविक्ट हो चुकी है बट बिग बॉस तो ऑफकोर्स फॉलो करेंगे ही। तो ऐसे में देवोलीना ने क्या कहा है कि आई अज्यूम अनिल इफ यू ऑल नो मी इट वॉज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बाई #Teja एंड ऑल्सो इफ यू कॉल समवन आंटी प्लीज शो दैट रिस्पेक्ट टू बिकॉज आंटी कुड बी योर मासी बुआ और एनी वन हुम यू शो रिस्पेक्ट नॉट टू एज शेम डी मी नॉट डिग्रेड एंड शमिता इज हॉट एनी वे। ऐसे में देवोलीना भी बहुत सपोर्ट कर रही है शमिता को। करणवीर बोहरा ने कहा है कि आई हैव सपोर्टेड यू फ्रॉम द बिगिनिंग तेजस्वी प्रकाश एंड स्टिल डू बट यू शुड रियली हैव सम रिस्पेक्ट फॉर पीपल, इट वॉज नॉट अ नाइस थिंग यू सेड टू शमिता शेट्टी, आई ऑल्सो हर्ड दैट यू सेड आई टेक इट बैक बट प्लीज बी केयरफुल ऑफ वॉट यू स्पीक वर्ड्स आर एट्रू फॉर लाइफ #BigBoss15। तो करणवीर ने कहा है कि तुम जो भी करती हो, जो भी मैं तुम्हें सपोर्ट भी करता हूँ, सपोर्ट भी करते हैं तेजस्वी को, लेकिन तुम जो बोलती हो उसमें केयरफुल रहो, सोच समझ कर बोलना चाहिए। जैसे कि हम बहुत सुनते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और साथ ही में क्रिटिक सलील कुमार ने ट्वीट किया है कि #BigBoss15 बोथ तेजस्वी प्रकाश एंड करण कुंद्रा आर मेड फॉर ईच अदर बिकॉज बोथ डू नॉट रिस्पेक्ट ईच अदर, वॉट तेजा जस्ट डिड वॉज सो नॉट कॉल्ड फॉर यू डू नॉट रिस्पेक्ट शमिता शेट्टी ग्रेट बट हैव फेथ ऑन करण कुंद्रा शेमफुल। और उसने तेजस्वी और शमिता को टैग भी किया है। तो बहुत कुछ बोल रहे हैं तेजस्वी को। सिर्फ यही नहीं, साथ ही में टीना दत्ता ने भी कुछ कहा है, शमिता शेट्टी की तारीफ की है, उनकी जर्नी को बिग बॉस 15 में जो उनकी जर्नी रही उनको भी रिस्पेक्ट किया है एंड
इंस्पायरिंग जर्नी कही है। उन्होंने कहा है कि अ जर्नी वर्थ वॉचिंग, ग्रेसफुल, एलिगेंट एंड फुल ऑफ स्पार्क, शमिता शेट्टी। तो शमिता इज द बॉस, हैशटैग शमिता इज द बॉस, होपिंग टू सी यू शमिता शेट्टी विद द बिग बॉस 15 ट्रॉफी, मच लव एंड लक, हैशटैग शमिता शेट्टी एंड हैशटैग बीबी 15। तो ये जो सारी चीजें है वो कही हुई है। अभी शमिता शेट्टी को सबने बहुत ही सपोर्ट किया है, लोग जो है शमिता शेट्टी के हाथ में बिग बॉस 15 की ट्रॉफी देखना चाहते हैं, बिकॉज बिग बॉस OTT में भी वो आई थी और बिग बॉस 15 में भी वो दिखाई दे रही है ऑडियंस को, और उनके फैंस जो है उनके इस जर्नी को काफी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरी खबर के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।